वेलकम गाइस, मेरा नाम है ओमकार और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूज्ड होंडा सिटी जो कि 2018 का मॉडल है। और ये गाड़ी जो है ये सेल के लिए अवेलेबल है नासिक के मयूर कार मॉल में। तो यहाँ पे आप ये गाड़ी देख सकते हैं, वी मॉडल है ये एक और पेट्रोल गाड़ी है। यहाँ पे एक बार मैं आपको इस गाड़ी की जो है पूरी की पूरी कंडीशन दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसकी जो है प्राइस के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो गाड़ी जो है पूरी ही स्क्रैचलेस तरीके से यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि नासिक में अवेलेबल है तो नासिक नंबर में ही अवेलेबल है ये गाड़ी। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप नासिक से हो तो आप ये गाड़ी जो है ज़रूर बाय कर सकते हो और आपको जो है नासिक नंबर भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं IVTEC की बैजिंग है, जैसे कि एक पेट्रोल गाड़ी है, और यहाँ पे होंडा सिटी वी मॉडल की आपको बैजिंग देखने को मिलेगी। ये गाड़ी अगर आप नई लेने को जाएँ तो इसकी प्राइस कितनी होने वाली है यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और बाद में मैं आपको इसकी जो ये यूज्ड गाड़ी की प्राइस बताने वाला हूँ कि ये गाड़ी यहाँ पर कितने को अवेलेबल है। देन अगर आप इसके अलॉयज देखे तो अलॉयज भी काफ़ी खूबसूरत है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। और अगर मैं आपको साइज़ बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 इंचेस के अलॉयज है। टायर साइज़ भी आप देख सकते हैं 175/65R15 इसकी जो ये टायर साइज़ है। गाड़ी की अगर आप कंडीशन देखें ना तो बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ की है गाड़ी, बहुत ही क्लीन कंडीशन के साथ है। आपको हार्डली इसके ऊपर जो है कोई स्क्रैच देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप डोर हैंडल्स भी देखें तो क्रोम कलर में आपको इसके अंदर जो है डोर हैंडल्स मिलते हैं। कीलेस एंट्री का भी इसके अंदर ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको साइड में जो है टर्निंग इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगती है गाड़ी, मुझे पर्सनली जो है मॉडल काफ़ी पसंद आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं होंडा सिटी का 2018 का मॉडल है, वी मॉडल है। बस इस गाड़ी के अंदर जो है सनरूफ नहीं आता है, तो अगर आपको एक सनरूफ वाली गाड़ी लेनी है तो आप वेट कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। और यहाँ पे आप इसके हेडलैम्प का सेटअप देख सकते हैं, हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप है। सामने कुछ इस तरह से आपको होंडा की ग्रिल मिलती है, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। और अभी हम डायरेक्टली चलते हैं गाड़ी के अंदर, जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की कंडीशन। तो यहाँ पे मैंने पुश करने के बाद ये गाड़ी जो है अपने आप से अनलॉक हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन भी दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे की का। यहाँ पे इस गाड़ी की एक बार आप की भी देख सकते हैं, इसके अंदर आपको 3 बटन मिलता है, इसे आप बूट भी अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये है डोर के अंदर आपको जो ये कपड़े की जो है मैचिंग यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कम्फर्टेबल रहता है इससे अगर आप यहाँ पर हाथ रखते हैं तो। देन यहाँ पर ब्लैक एंड ब्राउन कलर का इसके अंदर आपको जो ये फिनिश मिलता है, इसको आप बेज कलर भी बोल सकते हैं, इसको बेजी कलर बोलते हैं वैसे, ब्राउन कलर दूसरे कलर को बोलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेज कलर में यहाँ पे आपको ये डोर मिलता है। ये है गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील, गाड़ी जो है अंदर से बहुत ही ज़्यादा गर्म हुई है फिलहाल बिकॉज धूप में खड़ी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील, स्टेयरिंग के ऊपर काफ़ी सारे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। और यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है, तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। देन यहाँ पे जैसे कि ये एक 2018 का मॉडल है, तो इसके अंदर आपको पूरा ही मॉडर्न इंटीरियर मिलता है, बहुत ही खूबसूरत है। और जो कंडीशन है ना वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही क्लीन कंडीशन के साथ ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। सीट्स भी अगर आप देखें ना तो सीट्स भी बहुत ही अच्छी कंडीशन के साथ है, लेदर सीट कवर्स इसके अंदर आपको मिलती है। और यहाँ पे आप इसका ग्लोव बॉक्स देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा आपको ग्लोव बॉक्स मिलता है। यहाँ पे ये है डिस्प्ले, जिसको एक बार मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का जो है इसके अंदर डिस्प्ले मिलता है, जो कि आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप गियर नॉब देखें तो आपको 5-स्पीड मैनुअल इसके अंदर जो है गियर नॉब मिलता है, एक मैनुअल गाड़ी है तो आपको 5-स्पीड मैनुअल गियर नॉब मिलता है। देन यहाँ पे आगे जो है आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। ये है गाड़ी का हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपको जो ये थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिलती है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो एक HDMI पोर्ट मिलता है, एक पावर आउटलेट मिलता है 12 वोल्ट का, और एक USB पोर्ट भी आपको इस गाड़ी के अंदर जो है मिल जाता है। नीचे के साइड में यहाँ पर भी एक USB पोर्ट है, तो 2 USB पोर्ट है यहाँ पर। और गाड़ी जो है बटन स्टार्ट में ही स्टार्ट हो जाती है, तो आपको बस ये बटन दबाना है और गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। सो एक काफ़ी अच्छा फीचर है। देन यहाँ पे AC के आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, ये भी टच कंट्रोल में पूरे ही आते हैं, तो आपको बस यहाँ पे जो है टच करना है और आपका AC जो है ये कम ज़्यादा हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ और अभी मैं आपको जो ये पीछे की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। उससे पहले आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे साइड मिरर के जो है आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, ORVMs के आपको जो है यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं। देन गाड़ी की अगर मैं आपको रेयर कंडीशन दिखाऊँ तो 5-सीटर गाड़ी है, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर जो है 3 सीट्स मिलती है, और ये भी पूरी लेदर में है। कंडीशन जो है काफ़ी अच्छी है, पीछे के साइड में AC के वेंट्स है। और ये है कुछ पीछे की कंडीशन, एक बार मैं आपको बूट भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं CA से बिलोंग करती है गाड़ी, तो कंडीशन तो अच्छी होनी है। देन एक बार हम इसकी बूट जो है खोल लेते हैं, तो यहाँ से बटन दबा के भी हम इस बूट को जो है खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने अनलॉक कर लिया है और अब ये बूट जो है खुल चुकी है। सो यहाँ पे आप इस गाड़ी की जो ये बूट देख सकते हैं, बहुत ही मैसिव आपको इसके अंदर बूट मिलती है, आपका जो लगेज है वो इसके अंदर आराम से बैठ जाएगा, तो इतनी बड़ी आपको इसके अंदर जो है बूट स्पेस मिलती है। यहाँ पे एक स्टॉप लैंप भी है, तो
तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। रियर विंडशील्ड के अंदर डिफॉगर्स वगैरह है, तो सारे अच्छे खासे फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर जो है मिल जाते हैं। एंड अभी मैं आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के फ्रंट के साइड में और इसकी हम डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, ये एक 2018 का मॉडल है, इसका जो इंश्योरेंस है वो भी वैलिड है और एक फर्स्ट ओनर गाड़ी है। 25,000 किलोमीटर जो है गाड़ी चली हुई है, सिर्फ और सिर्फ 25,000 चली है, तो काफ़ी लेस ड्रिवन गाड़ी है। सामने के साइड में आपको डिस्क ब्रेक्स वगैरह भी मिल जाते हैं, पीछे के साइड में आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलने वाले हैं। एंड अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूँ तो इस गाड़ी की जो प्राइस है वो कोट की है 8,75,000 रुपये, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। तो अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो आप नासिक के मयूर कार मॉल में आकर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आके आप इस गाड़ी की और भी डिटेल्स ले सकते हैं। गाड़ी के प्राइस के अंदर जो है आप नेगोशिएट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस गाड़ी को जो है घर ले जा सकते हैं। गाड़ी के ऊपर आपको जो है फाइनेंस वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कितना आपका जो इसके ऊपर फाइनेंस करते आएगा। बट मोस्टली जो ये 70% जो है आपको फाइनेंस जो है गाड़ी के ऊपर करते आता है, तो आप वैसे ही पकड़ के चले 60-70% आपको इसके ऊपर जो है फाइनेंस करते आएगा। मतलब 3-3.5 लाख के आसपास आपको जो है, 4 लाख के अंदर तो आप इसको आराम से घर ले जा सकते हैं और बाकी के अमाउंट का आप जो है EMI कर सकते हैं। सो ये गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन के साथ है। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो आप नासिक के मयूर कार मॉल में आके ज़रूर विजिट करें, जहाँ पे आके आप ये गाड़ी जो है बाय कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग कार्स की वीडियो जो है लाता रहता हूँ। मैं नए कार्स के भी रिव्यूज़ आपके लिए जो है लेके आता रहता हूँ, तो आप वो वाले भी देख सकते हैं। मैंने 700 का भी अभी रिसेंटली जो ये रिव्यू निकाला है अपने चैनल के ऊपर। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली ऐसे अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।